अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम चकबस के हालात ज़िंदगी पढ़ेंगे। चकबस 1882 ईस्वी में पैदा हुई, 1926 ईस्वी में इंतकाल हो गई। नाम पंडित बरज नारायण चकबस और तखल्लुस भी चकबस था। वालिद का नाम पंडित उदित नारायण चकबस था। वो भी शायर थे और यकीन तखल्लुस था। ये असलन कश्मीरी ब्राह्मण थे। इनके अजदाद कश्मीर से हिजरत करके चले गए थे। चकबस्त 1882 ईस्वी में फैज़ाबाद में पैदा हुई। वकालत की तालीम हासिल करने के बाद वकील हो गई। वकालत और दूसरे सिलसिलों में लखनऊ आना जाना लगा रहता था, मगर 1926 ईस्वी में वही सुकूनत इख्तियार कर ली और वहाँ के मुमताज़ वकला में शुमार किए जाते थे। 1946 ईस्वी में राय बरेली के स्टेशन पर फालिश के शिकार हो गए और चंद ही घंटों में इंतकाल कर गई। चकबस का असातिज़ा उर्दू के कलाम का मुतालिया बहुत वसी था। चकबस के असातिज़ा जो है उस्ताद जो उर्दू कलाम के मुतालिये में बहुत वसी था, मतलब बहुत फैला हुआ था। शार के रमूज व नकात पर गहरी नज़र रखते थे। रमूज व नकात मतलब पोशीदा और बारीकियां बातों पर गहरी नज़र रखते थे। इनके कलाम पर गालिब और अनीस के कलाम का असर साफ नज़र आता था। मतलब चकबस के कलाम पर जो है गालिब और अनीस के कलाम का असर जो है साफ नज़र आता था। मजदस रामायण का एक सीन पढ़ते वक़्त अनीस का ज़ोर बयान और जज्बात इंसानी की तर्जुमानी याद आ जाती है। इनकी गज़लों में गालिब का सफ़र सफियाना अंदाज अगरचि कम है लेकिन बहुत खूब है। ज़ुबान व बयान पर अतश का असर है, मतलब ज़ुबान व बयान उनके ज़बान जो है और उनके बयान करने के तरीक़े पर अतश का असर है। इन दोनों के इम्तिज़ाज से इनकी ज़हानत और फ़िक्र रसा ने अपना एक इनफरादी रंग पैदा कर लिया है। इम्तिज़ाज मतलब मिलावट, इन दोनों मिलावट की उससे इनकी ज़हानत पर इनकी जहन और फिक्र की रसाने पर ने अपना रसाने अपने इनफरादी फिक्र रसा मतलब बुलंद परवाज़ फिक्र ने अपना एक इनफरादी अलग इनफरादी मतलब अपना एक शख्सी हिजाती रंग पैदा कर लिया था। इनका मशमुआ कलाम सुबह वतन छप चुका था। चकबस हकीकत में कौमी शायर था। चकबस जो है हकीकत में कौमी शायर, कौम के लिए शायर कहने वाला था। इस ज़माने की कौमी तहरीकों की तरफ अरबाब वतन को रग़बत दिलाना और वतन के नौजवानों को वतन की मोहब्बत और इसकी तरक्की की तरफ मुतवज्जह करना इनका असल मकसद था। मतलब इस ज़माने की कौमी तहरीकों की तरफ मतलब अरबाब वतन मतलब वतन के लोग अरबाब वतन मतलब वतन के लोग की ख्वाहिश पैदा करना, रग़बत दिलाना मतलब ख्वाहिश पैदा करना और उकसाना, और वतन के नौजवानों को वतन की मोहब्बत और इसकी तरक्की की तरफ मुतवज्जह करना इनका असल मकसद था। इनका मशरफ़ ये था कि मग़रिबी तहज़ीब व तमद्दुन का दामन पकड़ने बगैर अगर मग़रिबी तहज़ीब में कोई अच्छी बात है तो इससे इख्तियार कर लेना चाहिए। मशरफ़ मतलब इनका मकसद जो था मग़रिबी तमद्दुन का दामन पकड़ के रखना और मग़रिबी तहज़ीब का में अच्छी बात जो है उनको इख्तियार कर लेना चाहिए। इसी ख़याल के तहत वो होम रूल के मुतालिबा के दिल से हामी थे। मतलब इसी ख्याल के तहत वो होम रूल के मुतालिबा मतलब डिमांड करने के तहत दिल से वो हामी थे। बहरहाल अपने कलाम में उन्होंने इस ज़माने के सियासी हालात को बड़ी खूबी और कामयाबी से पेश किया। चकबस के नज़्म कश्मीर। वो सुबह को कोहसार के फूलों का महकना, वो झाड़ियों की आड़ में चिड़ियों का चहकना, गर्दों पे शफक, कोह पे लाले का दहकना,
मस्तूम की तरफ तरह अबर के टुकड़ों का बहकना। इस शेर में चकबस फरमाते, इस नज़म में कश्मीर की खूबसूरती की तारीफ़ करते हुए फरमाते हैं कि सुबह के दरख्त पहाड़ों पर फूलों की खुशबू का बिखरना, आसमान पर सुबह की लाली का फैलाना, पहाड़ पर गुल लाला का खुशबू बिखेरना, झाड़ियों की पनाह लेकर चिड़ियों का गीत गाना और आसमान पर बादलों के टुकड़ों का मिक्सियों की तरह झूमना कश्मीर की खूबसूरती की नुमाइंदगी करता है। शायर मंजर कशी करते हुए फरमाते हैं कि हर फूल जब धीमी धीमी हवा से हिलता है तो यूं महसूस होता है कि कोई परी अपने नाज व अंदाज दिखा रही हो। हर फूल की जंबिश से आयान नास परी का चलना वो तो आयर कोहसर अब लब चश्मे कोहसर वो सरत हवा और करम में अबर गहर बार वो मेवा खुश रंग वो सर सब चमन रास एक आन में सेहत हो जो बरसों का हो बीमार ये बाग वतन रोश गुलजार जनान है सरमाए नाश चमन आराए जहान है। रक्ष गुलजार जनान मतलब जन्नत के बाग को शर्मिंदा करने वाला। इस नज़म में चकबस फरमाते हैं कि पहाड़ के चश्मे के किनारे वो पहाड़ी परंदे वो ठंडी हवा वो मोती बरसाने वाले बादलों की मेहरबानियाँ वो खूबसूरत फल और वो सरसब्ज शादाब बाग जिनकी सेहत बख्श तासीर से साल हर साल का बीमार एक दम सेहतमंद हो जाए। तमाम नियामतें कश्मीर के हिस्से में आई है। कश्मीर एक ऐसी खूबसूरत बाग की मानन है जो बकौल शायर जन्नत के बाग को भी शर्मिंदा कर देता है। खुदा भी इस चमन को बनाकर इस पर फ़ख्र करता है। छूटे हुए इस बाग का गुजरा है ज़माना ताज़ा है मगर इस की मोहब्बत का फसाना आलिम से शरफ जिनकी बुजुर्गी का है माना उड़ते थे इस खाक से वो आलम व दाना तन जिनका है प्यून अब इस पाक ज़मीन का रग रग में हमारी रून रवा खून इन्हीं का मतलब सरमाया मतलब दौलत चमन आराय जहान मतलब दुनिया की बाग को आरास्ता करने वाला मुराद खुदा की बुजुर्गी शरफ मतलब बुजुर्गी इज्जत बुलंदी लव चश्मा मतलब चश्मे के किनारे। इस नज़म में चकबस फरमाते हैं कि मुझे इस बाग से जुदा हुए मुद्दत गुजरी है लेकिन इसकी मोहब्बत जो दिल में है इसका अफसाना ताज़ा है। इसी ज़मीन की मिट्टी से आलम और दाना लोग बहुत हुए हैं मतलब लोग पैदा हुए हैं जिनकी बड़ाई का लोहा देने माना है। इन बुज़ुर्ग लोगों का जिस्म इस पाक सरजमीन का हिस्सा बनकर रह गया है जिनका खून हमारे रग रग में दौड़ता है।